गाइस, फाइनली 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 लेंसिंग वीकली इज बैक। एक्चुअली बहुत दिन से व्लॉग नहीं बनाया था और इस बार व्लॉग बनाने का मेरा प्लान है गोवा में। मैं वहाँ पे यूट्यूबर्स लोग के साथ मिलूंगा और फेमस पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलूंगा और गोवा में व्लॉग करूंगा। गोवा में शो है एक्चुअली, तो उसी बहाने मेरा व्लॉगिंग भी हो जाएगा एंड देन फिर मुंबई का। उसके बाद जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मोटो व्लॉग्स आएगा, वो तो ज़रूर आएगा। जगह भी मैंने लोकेशन आपने Q&A वाले वीडियो में बता दिया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो उस वीडियो को। और बहुत दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया और उसका एक रीज़न था, उसका दो रीज़न था एक्चुअली। एक रीज़न तो ये था कि मैंने रिसेंटली ईटानगर वाले रेंट को छोड़ दिया, तो बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग का काम हो गया था, तो बहुत बिजी था। एंड सेकंड थिंग इज़ मेरा कान ख़राब हो गया था, क्योंकि शायद पता नहीं बहुत जर्नी वर्नी किया है उसके वजह से भी हो सकता है। तो मैंने ENT डॉक्टर को दिखाया नारलगन में, तो उन्होंने कहा कि आपका टॉन्सिल का स्वेलिंग हो गया है, तो उस वजह से कान का, नाक का एंड गले का शायद कुछ कनेक्शन रहता है, तो उस वजह से मेरा कान बंद हो गया था। तो बहुत कम कम धीमा धीमा आवाज़ सुनाई देता था, तो एकदम व्लॉगिंग में मन भी नहीं लग रहा था और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सपने में हूँ। तो उससे ओवरकम होने में मुझे लगे 20 दिन। 20 दिन से मैं ऑलमोस्ट बहरा था, अभी ठीक हो गया हूँ फाइनली। और अभी मैं पापा के साथ डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट जा रहा हूँ और डिब्रूगढ़ से मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा दिल्ली का, और डिब्रूगढ़ से मैं जाऊँगा दिल्ली और दिल्ली से फिर गोवा, गोवा कल जाऊँगा और परसों मेरा शो है 30 को। और त्यापोंग मैं और एना मिलके हम लोग जाएंगे गोवा एंड साथ ही मैं वापस मुंबई भी, गोवा से मुंबई भी वापस आएंगे। परसों के शो के लिए मैंने कुछ भी कपड़े नहीं खरीदे हैं, गोवा से ही खरीद लूँगा और वहीं से उसको पहन के और गाऊँगा। अपना जूता भी सुखा दिया है, नया बाटा का शू है मेरा, बस 2000 रुपये में आ गया तो मैंने खरीद लिया, अभी सूख रहा है। एक्चुअली धोया था कल तो धूप में सुखा रहा हूँ। तो मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ कि गोवा का व्लॉग कैसा होने वाला है, क्योंकि गोवा मैं पहली बार जा रहा हूँ। बहुत सारे प्लान्स बनाए थे मैंने, तो उन प्लान्स को फुलफिल करना है और व्लॉगिंग करके आप लोगों को दिखाना है खूबसूरत सा व्लॉगिंग, गोवा का व्लॉगिंग, मेरा फर्स्ट टाइम, तो बने रहिए। तो गाइस आज इंडिगो का फ्लाइट फुल है और मैंने अपने दोस्तों के लिए त्यापोंग, लिंखान एंड ऐना के लिए मैंने गिफ्ट लिया है, यही से लिया है, उम्मीद करता हूँ कि उन्हें पसंद आएगा। पहली बार मैं लेट नहीं हुआ हूँ और ज़्यादा जल्दी आने की वजह से बहुत वेट करना पड़ा, वेट करना बहुत बोरिंग होता है, पर स्टिल जल्दी कीजिएगा, नहीं तो मेरे पिछले से पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं लेट हो गया था और मेरा पैसा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था, तो ये गलती आप मत करना, जल्दी आना। तो गाइस फाइनली दिल्ली पहुंच गया हूं, अपने दोस्तों से मिल लिया हूं और दोस्तों से मिलवाऊंगा आप लोगों को भी। बाहर सो हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं लोग सह कैसे सकते हैं, मुझसे तो नहीं होगा। कहने को 40 कहते हैं लेकिन आई डोंट थिंक 50°C से कम होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर ब्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में बताना चाहूँगा। ये दोनों ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि US डॉलर्स, यूरो वगैरह भी, और आपको 90% तक प्रॉफिट भी मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चूज करना है और फोरकास्ट करना है कि उस एसेट की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। देखिए मैं आप सभी को एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपये का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा रुकते हैं, यस मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में बस 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट बस 300 रुपीज़ है और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी, यानी कि जैसे आप 400 रुपीज़ का टॉपअप कीजिए और 800 रुपीज़ पाइए, तो लिंक में जाके बिनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज़ पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंसड होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स आज ही बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स एंड आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? तो सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगा लिंखान ब्रो को। हेलो लिंखान, ऑनेस्ट इनका चैनल का नाम है, इसका मनी को एंड इस प्लेस का नाम है मशनुगातिला। हां मशनुगातिला, मशनुगातिला इस टिबेटन एरिया। ओके, इस टिबेटन एरिया एंड ये एना और त्यापोंग फरासा को मिलकर हम लोग जाने वाले हैं मुंबई। सॉरी सॉरी, सब हम गोवा गोवा जाने वाले हैं हम लोग। तो नाइस टू मीट यू ब्रदर। नाइस टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू फाइनली। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट हिज चैनल, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड इज अ वेरी गुड ड्राइवर टू। आई हैव समथिंग फॉर यू। इनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मतलब फारा, हाय। आई एम फारा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। योर आईज आर सो ब्यूटीफुल। ओके, सो शी इज ऑल्सो अ ब्लॉगर, इनका चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। नाइस टू मीट यू। एंड आई एम एक्चुअली अ फैन, आई हैव बीन वॉचिंग यू
बहुत टाइम से देख रही हूँ, लाइक इट्स माय ऑनर दैट आई गॉट टू मीट हर. मुझे बहुत खुशी लग रही है और बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, मैं कुछ बोल नहीं पा रही. थैंक यू सो मच. और गोवा में साथ में जाएंगे एंड हम लोग वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर करके धूम मचाएंगे. चलो एंड यापोंग सुधीर द यात्रा किट, पहली बार उनसे पहली बार मिल रहा हूँ मैं. Nice to meet you, Lansing. Welcome to Delhi. Thank you so much. It's so hot here, na? You came late, that's why it's hot. No, Kolkata it was cold, but today it's hot. Yeah. Every Naga people knows him. He's from Nagaland. Yapong Sudhir, inka naam hai. Yatra ke channel ka naam hai. Description link mein diya hai. Sorry, inka link description mein diya hai. So aapse pehli baar milke bahut acha lag raha hai. It's so nice meeting him. In real life, he's more handsome, by the way. Thank you. And lastly. Yeah. My friend. Hello guys. Hi, I'm Anna. It's a pleasure to be in Lensing's channel again after 2 saal jaisa ho gaya. Abhi to bahut sara videos aane wala hai. Chalo Goa tak, Mumbai tak. Mumbai ke baad kya tha? Tripura and Mizoram. Tripura, Mizoram, Lensing, hum dono coming. Chalo tab abhi kuch pet puja kar lete na. I'm so hungry. We are so hungry actually. Yeah. Hi, hello. How do you like the place? Nice. It's amazing. It's amazing. Mostly here in Delhi. Yeah. Night, people yes. comes out. Okay. Yeah, yeah. Not it because it's too hot during the day. So. Yeah. And your body is so nice. Oh no. Thinking ki itna matlab raat ho gaya, to vlog kaise banayenge na? So it's good. Good. Lots of street. Hi, sir. Oh hello. Tashi dile. Lots of street food. Or. It's a cool place. So many subscribers from here also, okay? People comment a lot from this place. Because they can relate to Northeast, na? And because you're so cute. Yeah, actually. So good, yeah? So thanda. Arunachal Since Anna is very natural, जैसा वो रियल में है वैसा ही दिखाती है, तो इनके लिए नेचुरल चीज़ें लाए हूँ. एक्चुअली बैग है लेकिन वो हैंडमेड वाला एकदम नेचुरल चीज़ से बना हुआ है. I love it. Wow. ये वाला बैग है. इतनी होता है कि जैसे कारपेट बनाता है ना, वो बना है. Thank you so much. So emotional. Like, if Lansing se milna is like such a, Every girl's dream. Every girl's dream. हम तो एकदम अभी चट्टी बट्टी ऐसे हो गया ना, बहुत अच्छा दोस्त है. और ये अभी निखन ब्रो का टर्न ना. Yeah. Since आपको बॉडी बहुत अच्छा है ना, since you have a muscular body, तो इसलिए आपके लिए muscular animal rhino. Wow. Nice. Yeah. My name is Genda. So did you like it? Yeah, very much. Okay. Yeah, I'm receiving I'm glad. A gift for the first time, from someone. I think I'll get an experience. I will keep this one, man. I will keep this one. TV ke samne rakhiye. So that TV dekhte dekhte isko bhi dekhoge. Then I'll remember you. Yeah, thank you so much. And it means a lot. Kyapong ke liye. Wow. Camera aap pakad lijiye. Since Kyapong is very lean and thin like me, so isliye I want ki Kyapong bhi thoda muscular ban jao. Isliye Kyapong ke liye bhi rehne. Thank you. This is Rhino Rhino. Is that an animal of Assam? Thank you so much to Lindsay. It's a handmade. Thank you. Kuch bhi do lekin. Kuch bhi do lekin. Dil se. Yeah, dil se. And that's like bahut bada baat hai. Aap se gift milna. Yeah, dil se aap log. It's so many people's dream to be with him. Yeah. For us, we're getting gift. एक्चुअली इनका कमेंट आते रहता था मेरे यूट्यूब चैनल में जब भी आता, तो जितना भी वीडियोस अपलोड किया मैक्सिमम वीडियोस में ही यूज़ टू कमेंट. तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक नॉर्थ ईस्ट का एक नॉर्थ ईस्टर्न को एडमायर करता है ना, अच्छा लगता है. एनीवे ही वाज माय क्रश. लॉन्ग टाइम बैक.
एंड फारा के लिए अरुणाचल से ट्रेडिशनल गाले में भेज रहा हूँ, तो फारा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा आपका गिफ्ट। किसको उठाना वो बताओ, बस वो बताओ, उठाना तो फाइनली हमारा डिश आ गया है, कोरियन डिश एंड इट्स लुकिंग वेरी डिलीशियस। और रुकिए, क्योंकि पेट में जगह रखना है, टिबेटन रेस्टोरेंट में भी घुसना है। तो अभी हम पारा के घर में जा रहे हैं। यस, तो गाइस अभी अगला दिन और हम हैं अभी 12th फ्लोर में। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने की आदत नहीं है। आई वी आर गोना लीव फॉर गोवा और परा के घर में स्टे करके बहुत अच्छा लगा। बस 3 दिन के ट्रिप के लिए इतना सारा सामान इनका, और मेरा 20 दिन के ट्रिप के लिए बस ये छोटा सा बैग। फाइनली गोवा का सफर भी शुरू होने वाला है, हम निकलेंगे यहाँ से गोवा की ओर। आई एम वेरी एक्साइटेड, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा बीच देखने को आज देखने को नहीं मिलेगा, हमारा रिजर्व बीच के सामने रात को जाएगा बीच पे। ओके ठीक है, आज रात को हम बीच में जाएंगे। क्या हम सीधा बीच में लैंड करेंगे? क्या हम सीधा बीच में लैंड करेंगे? Why not? We're in Goa. Goa में जब पानी है तो पानी में घुस जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट बीच में लैंड करने के लिए बोलेगा पायलट को ना। हाँ, ये एयरपोर्ट में लैंड मत करो, डायरेक्ट बीच में लैंड करो, सीधा पानी में कूदेगा। By the way guys, I'm very happy because Lansing has been my crush for a very long time. Now crush is in like ऐसा वाला नहीं, but you know? Admire वाला crush था। तो so happy to see him. I feel like touching him again and again. I've been touching him so many times just to make me feel like, yeah, such me ho raha hai aisa na. And you're so sweet. And he's so real and he's so handsome in real life. Thank you. He's like inspiring me so much. Like look at the number of people he has inspired, and he's inspiring me also. So for me, the Salman Khan of Northeast. Lots of love to you and the Nagaland people. You guys are so humble. Every people I met, every YouTuber I met, Jamir, Nuna. Lolo. Zujubeni, Alobo, everyone is so good. Eva, yes. Pretty, Abolu. You come again to Nagaland and then we'll explore more. Actually, me and Anna, we are planning to invite you guys during our festival solo. So we'll see, na? Sure. Arunachal is my favorite. Okay. I mean, especially Nishi people. Na? Even Adi, of course. Yeah. My heart is for Arunachal. Anna knows how much I love Arunachal. Arunachal people are so cool and cool. जो सोचता है ऐसा बोलता है ना, तो बहुत मजा लगता है ऐसा बिग बॉस जैसा ना, ऐसा पूरा खुला खुला। We'll try to make it happen ना। सितंबर ना। Yeah, actually बहुत सारा प्लान किया आप लोग के लिए, तो we'll enjoy a lot. क्या रश्मि? She's so cute. तो मैं चाहता हूँ कि आपके amazing vlogs को मेरे अरुणाचल के मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोग भी देखें, तो मैं इनका लिंक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शी इज़ वेरी स्वीट एंड आई कैन रिलेट विद यू। ओके, और उसका रीज़न एक है कि हॉस्पिटैलिटी आपका भी वैसे ही जैसा हमारा होता है ना, सो बहुत एक अपना अपना वाला फीलिंग आया उसको, मतलब वैसे मुझे अच्छे से चांस नहीं मिल पाया करने के लिए। बट वो आपके दिल में दिख रहा है, आपके मतलब एक्सप्रेशन से दिख रहा है, चेहरे में दिख रहा है, यू वॉन्टेड टू, तो इट्स सो नाइस टू मीट यू। आप भी प्लीज़ अरुणाचल आना, मैं आपको मिस करूँगा। इट्स ऑन माई विश लिस्ट ना अरुणाचल। जो मैंने बताया था बिहार एंड नेपाल का करेंगे, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे।
उतरते बीच देखने को मिलेगा क्या? सीधा बीच में हम उतरेंगे क्या? हाँ ओके ठीक है अच्छा. आई डोंट वांट एयरपोर्ट, हमको बीच ही चाहिए डायरेक्ट. सीधा प्लेन से दरवाज़ा खुलते सीधा जंपिंग करना है बीच में. अभी प्लेन से उतरते वक्त सीधा बीच होना चाहिए ना, या सीधा बीच में कूदेंगे ना? एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पर, सीधा बीच है. आई एम सो एक्साइटेड. वो ट्यूब है क्या आपके पास? मुझे तैरना नहीं आता. आज तो लेंजिंग का पेयर बॉडी भी देखेगा. इसका टैटू मेरा टैटू देखेगा सर. थैंक यू. अरे बीच का है. प्यारे प्यारे लोग अपने सामान का वेट करते हुए. इतनी बहरहमी के साथ बैग गिरते हुए किसी की शादी भी होने जा रही है, लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं. एंड अभी हम पहुँच गए गोवा, बाहर निकल गए हैं. अभी रिजॉर्ट पे जाएंगे बीच के पास और हम खाएंगे सी फूड. पेट ख़राब होने तक खाएंगे, बहुत सारा सी फूड खाएंगे. टैक्सी की कमी नहीं. और इंडिया में अगर आपको अमीर होना है ना तो कैब ड्राइवर बनो, आप रिच हो जाओगे, क्योंकि इतना भाड़ा लेते हैं ना ये लोग. अब बैठने के लिए ना बाहर जाना पड़ेगा. हाँ हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं. सीधा अभी वाइब्स आ रहा है गोवा वाला, क्योंकि यहाँ पे तमुल गाची की कोकोनट है. तमुल गाची नहीं है ये, तमुल नहीं है ना, कोकोनट है ना. ओके कोकोनट है, तो हम गोवा पहुँच गए हैं. ओके तो गोवा का टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस. तो गाइस फाइनली आई कैन सी द बीच फ्रॉम हियर. और यहाँ पे लगेगा रिवर है. पोपट हो गया, पोपट. ओके ये रिवर है, हो जाएगा वो आएगा. बीच भी आएगा क्योंकि कोकोनट ट्रीज देखने को मिल गया है. और जो यहाँ का जो लैंडस्केप है एकदम ऐसा अरुणाचल वाला ही वाइब्स दे रहा है. रास्ता इज सो गुड एंड खाली, नो ट्रैफिक. और बहुत ऐसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग करके डिस्टर्बेंस नहीं है. होगा मेन टाउन में होगा, बट कोना कोना में तो इट्स वेरी पीसफुल ना. ऐसा जगह तो हमको अच्छा लगता है. भैया ये ब्रिज का नाम क्या है जो बन रहा है अभी? नामकरण नहीं हुआ. ये बीच है क्या भैया? नहीं ये रिवर है, सेम रिवर. आपको बीच बनाना अभी तक नहीं. कब पहुंचेगा बीच? अंधेरा हो जाएगा ना बीच का, तो वो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा. लेकिन अंधेरा में भी मजा होता है. अंधेरा में भी ना अच्छा होता है. ओए गाइस तो आज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं. बीच अगले एपिसोड में देखेंगे. और अगला एपिसोड और थासू होगा, कल मेरा परफॉर्मेंस होगा. तो विश मी लक. नहीं पार हो जाएगा तब तक पार हो जाएगा. लेकिन आपका 8 लाख सब्सक्राइबर तब तक हो चुका है. 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं. थैंक यू सो मच गाइस 8 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचाने के लिए. आप लोग इतना प्यार करते हो मुझे, तो अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी करवा दीजिए बहुत जल्दी से जल्दी. मैं आप लोग के लिए और मेहनत करूंगा. आफ्टर गोवा मुंबई का ट्रिप है, मुंबई के बाद मुंबई तक कैजुअल होगा. एंड आफ्टर दैट मेरा प्रॉपर व्लॉगिंग शुरू होगा. तो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. तो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म होता है. थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग. बाय बाय. जय हिंद. वंदे मातरम.